कानपुर देहात के अस्पतालों में मत जाना। कानपुर देहात के अस्पतालों में अनहोनी इंतजार कर रही है। कानपुर के अस्पतालों में जाते हैं तो सावधान, पता नहीं किस अस्पताल में किस रूप में आपके लिए खतरा दस्तक दे दे, क्योंकि हम जो बताने और दिखाने जा रहे हैं वो इस बात का सबूत है। कानपुर देहात के रनिया हाईवे पर बना यह रजावत सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो कान खड़े हो गए। उसके बाद तो एक के बाद एक 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी करनी पड़ी, जहां बिना लाइसेंस और बिना डिग्री के लोगों का इलाज चल रहा था। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर धावा बोला तो चोरी छिपे अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा था, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के। ऐसे एक तो नहीं कानपुर देहात के रजावत अस्पताल की दो शाखाओं में बिना रजिस्ट्रेशन के इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की तो पता चला अल्ट्रासाउंड सेंटर दीपक शोधन कपूर की डिग्री पर चल रहा है। हैरानी तो तब हुई जब इसी दीपक शोधन कपूर की डिग्री पर अलग अलग शहरों में 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर खुल चुके हैं। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली और कानपुर देहात सहित कई शहरों में इस नटवर लाल ने अल्ट्रासाउंड सेंटर खोल रखा है, जो कानूनन गलत है। नियम कहता है कि एक शख्स की डिग्री पर दो से ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटर्स नहीं खोले जा सकते। दीपक शोधन कपूर ने एक लाइसेंस पर 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर खोल दिए। नटवर लाल दीपक शोधन कपूर लखनऊ का रहने वाला है। दीपक के पास एमडी की डिग्री है, जिसके आधार पर वो 14 जगहों पर अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहा है। अभी हमारे पास आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है, जांच के उपरांत ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। कानपुर देहात में फर्जीवाड़ा यही नहीं रुकता। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग की कलई खोल कर रख देगा। दरअसल जिस रजावत अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर में अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा था, उस अस्पताल तक का रजिस्ट्रेशन नहीं है। इतना ही नहीं, रजावत अस्पताल की दो और शाखाएं हैं, एक माती रोड पर और दूसरा नवीपुर में, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट पर ही चल रहे हैं। अस्तित्व न्यूज ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ से बात करने की कोशिश की तो पता चला रजावत अस्पताल की तीन शाखाओं के रजिस्ट्रेशन का आवेदन आया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अपने जनपद में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर जो पंजीकृत है, उसमें रजावत हॉस्पिटल में भी एक सेंटर पंजीकृत है। वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर दीपक शोधन कपूर, तो उनके सर्टिफिकेट लगा हुआ है और उनके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। स्टेट लेवल से जब स्क्रीनिंग हुई थी तो उसमें ये देखा गया था कि डॉक्टर शोधन कपूर जो हैं, ये इनके कई जिलों में सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, जबकि PCPNDT एक्ट में जो व्यवस्था है उसके अनुसार एक रेडियोलॉजिस्ट अधिकतम दो जगह ही काम कर सकते हैं, दो से ज़्यादा जगह पर काम करना अलाउड नहीं है। इस पर स्टेट जो मॉनिटरिंग सेल है वहाँ पे इसका स्क्रीनिंग किया गया और देखा गया कि उसमें डॉक्टर साहब का कई जगह जिलों में सर्टिफिकेट लगा हुआ है, जैसे 14 जिले जिसमें चिन्हित किए गए हैं, तो उस पर कार्रवाई करते हुए स्टेट लेवल से उनको बुलाया गया, उसके बारे में स्पष्टीकरण लिया गया और वहाँ जिले राज्य स्तर पर। अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों के प्रभारी डॉक्टर SL वर्मा की भूमिका भी संदिग्ध है। जिले में दर्जनों अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। जाहिर है विभाग के प्रभारी डॉक्टर SL वर्मा की साठगांठ के बिना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर SL वर्मा ने जांच कर रजावत अस्पताल का अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज तो कर दिया, लेकिन उनको ये दिखा ही नहीं कि रजावत अस्पताल का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जिले में मात्र 43 अस्पतालों का ही रजिस्ट्रेशन है, जबकि 200 से ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, जो प्रभारी डॉक्टर SL वर्मा पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए कानपुर देहात से संजय कुमार की रिपोर्ट।